नमस्कार, सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, किस तरह से आम लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हमारे साथ मुख्य डाकघर के जो पोस्ट मास्टर हैं सुरेश कुमार जी, वो मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और किस तरह से आम जन इसका बेनिफिट उठा सकता है। जी सुरेश जी, नमस्कार सर जी। मतलब सुकन्या समृद्धि योजना, पहले तो ये बताओ है क्या जी। देखिए, हमारे जो समाज में हमारा लिंग अनुपात जो कम है लड़कियों का, उसको बढ़ाने के लिए सरकार को ऐसा महसूस किया सरकार ने कि हमारा जो लड़की हमारे मतलब माँ बाप उनको बोझ न समझे और उसकी अच्छी प्रगति के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए जी। एक सरकार द्वारा जनवरी 2015 में माननीय श्री प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब द्वारा एक स्कीम जारी की गई है, जिसको हम कहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना जी। इसके अंदर जैसे कि नाम से ही भी पता लगता है कि सुकन्या जी, अभी कन्याओं के लिए है ये दो कन्याओं के लिए हमारी स्कीम है जी। और ये बैंकों और डाकखाने के माध्यम से चल सकती है जी। और इसका जो शुरू में जो खोलने की जो राशि रखी गई थी 1000 रुपये महीना रखी गई थी, 1000 रुपये से आप इसको जारी कर सकते हैं जी। लेकिन 2018 में जैसे सरकार ने महसूस किया कि ये मतलब ज़्यादा है अमाउंट, तो इसको खुलवाने की जो राशि है वो कम करके 250 रुपये पर ले आए हैं और इसको आम जन तक पहुंचाने के लिए ये जो राशि है, जो खुलवाने की जो राशि है, ये कम रखी गई है जी। और अब ये पूरी जोरों शोर पर चल रही है जी। और पब्लिक का और समाज का रुझान इसकी तरफ पूरा है जी। तो मतलब जिसके दो लड़कियां हों सिर्फ वही बेनिफिट उठा सकता है। हाँ, दो लड़कियों के लिए स्कीम मेन रूप से है। अच्छा जी। दो लड़कियों जिसके पास हैं वो ये स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, 10 साल से कम जी। जिस बच्ची की आयु 10 साल से कम है उसके लिए ये स्कीम जारी है जी। तो मतलब जन्म के तुरंत बाद ही ये जो खाता है खुलवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि। हाँ, आप जैसे मान के चलिए आप एक बच्ची, आज जिस बच्ची का जन्म होता है हम उसकी सुकन्या समृद्धि की एक कॉपी खुलवा देते हैं जी। तो वो सुकन्या समृद्धि मान के चलिए आज 1000 रुपये महीने से हम खुलवा देते हैं जी। तो उसको क्या करेंगे, 15 साल तक हम उसमें लगातार 1000 रुपये महीना पैसे जमा करवाएंगे जी। तो 15 साल बाद देखा जाए तो 1,80,000 रुपये उसके जमा हो जाते हैं जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5-6 साल के लिए इस कॉपी को उठा के रख देंगे, उसमें अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होगा जी। तो वो कॉपी 21 साल की हो जाएगी, जो पूरी तरह से परिपक्व होगी, मेच्योरिटी बोलते हैं जिसको जी। और उस पर तकरीबन 5 लाख के करीब उसके अमाउंट मिलेगी, 1,80,000 का इंटरेस्ट समेत 5 लाख के करीब हमारी अमाउंट बन जाएगी उस बच्ची के, 21 साल जी। तो सुरेश जी, मतलब कम से कम 250 रुपये है और ज्यादा 1000 रुपये जमा? नहीं नहीं, आप उसके ज्यादा से ज्यादा की लिमिट ये 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष आप जमा करवा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, हाँ जी, 250 रुपये से लेकर 250 रुपये से शुरू है, उसके बाद आप जितना मर्जी जमा करवा सकते हैं। जैसे उसमें मंथली महीने के 100 रुपये जमा करवाओ, 200 करवाओ, 500 करवाओ, वो आपकी इच्छा है। अच्छा, वो उसी रेशो में आपको इंटरेस्ट मिलेगा जी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने 250 रुपये से जो शुरू की तो 250 ही जमा करवाने हैं जी। आपकी वो मर्जी रहेगी, 1000 रुपये जमा करवाओ, 2000 जमा करवाओ, 500 जमा करवाओ, लेकिन साल का जो हमारा वो 1.5 लाख रुपये है, 1.5 लाख रुपये से ज्यादा आप जमा नहीं करवा सकते। इनकम टैक्स में रिबेट है इसके अंदर, आप इनकम टैक्स में इसको शो करके इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हो जी। मतलब दो लड़कियों पर ही है सिर्फ? हाँ, दो लड़कियों पर स्कीम है ये। दोनों लड़कियों का खाता खुलेगा? हाँ, दोनों लड़कियों का अलग अलग खाता खुलेगा। अच्छा जी, मतलब दो लड़कियों वाला ही बेनिफिट उठा सकता है? हाँ, दो लड़कियों वाला भी लड़का दो लड़कियों वाला ही बेनिफिट उठा सकता है। लेकिन एक केस में जैसे कि मान लो आपके पास सेकंड एक बच्ची पहले है और दूसरी बार दो बच्चियों ने जन्म ले लिया जी, तो उस बारे में आप तीन पे खाता खुलवा सकते हैं। तीन में सिर्फ यही ऑप्शन है, एक और कोई ऑप्शन नहीं है जी। ट्विंस बोलते हैं जैसे, सेकंड अटेम्प्ट में माने दो बच्चियों को और जन्म दिया है तो तीन बच्चियां होगी, तीनों को खुलवा सकते हैं आप जी। जैसे विधायक लीलाराम भी आपके यहाँ आए थे, उन्होंने जो कॉपियां हैं वो भी बांटी थी और मैसेज भी अपनी तरफ से दिया है, तो आप भी क्या कुछ मैसेज आमजन को पहुंचाना चाहोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का जो बेनिफिट उठा सकें? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार चारों दिशाओं में मतलब अब अच्छी तरह मतलब विकास की ओर बढ़ रही है, विकास करवा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव लगातार आप देख रहे हैं, हर दिशा में मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सुकन्या समृद्धि महोत्सव भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मनाया जा रहा है। ये हमारे यहाँ 19 तारीख को था, जिसके हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री लीलाराम जी विधायक साहब थे और हमारे मंडल के अध्यक्ष अधीक्षक डाकघर श्री ताराचंद शर्मा जी यहाँ पर, उनके अध्यक्षता में एक हमारे यहाँ एक कैंप का आयोजन किया गया। उस दिन तकरीबन हमें एक दिन में 300 खाते खोले हैं जी। और
उससे महसूस हुआ कि जो हमारा समाज है, हमारे चारों तरफ का जो लोकेलिटी है, उनका मतलब ध्यान है जी। अभी वो उनको पता है कि सुकन्या समृद्धि योजना है और उसका क्या क्या लाभ है और खुलवा रहे हैं और खुलवा रहे हैं जी। तो जिन्होंने मतलब खाते वगैरह खुलवाने हैं तो कहाँ संपर्क करें, क्या डाकघर में सिर्फ खाते खुलेंगे या और भी कहीं संपर्क कर सकते हैं? देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना जो खाते हैं वो बैंकों और डाकघर के माध्यम से खोले जा रहे हैं जी। आप किसी भी बैंक में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके ये खुलवा सकते हैं। अपने कैथल के अंदर देखा जाए तो लगातार हमारे पास सराउंडिंग में 6 हमारे पास पोस्ट ऑफिस हैं जी। कैथल सिटी के अंदर है, आरकेएसडी कॉलेज के संजीवनी हॉस्पिटल के सामने पड़ता है, सिवन गेट पे एक हमारा पोस्ट ऑफिस है और सेक्टर 8 के सामने हमारा एक पोस्ट ऑफिस पड़ता है और मॉडल टाउन में हमारा पोस्ट ऑफिस है। पट्टी अफगान के अंदर एक हमारा छोटा पोस्ट ऑफिस है, वहाँ भी खुलवा सकते हैं। और मेन पोस्ट ऑफिस हमारा कैथल MDG मुख्य डाकघर है, जो यहाँ पर भी आप सुकन्या समृद्धि का खाता खुलवा सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, उस दिन 19/9 को हमारे माननीय श्री विधायक साहब हमारे लीलाराम जी उस दिन यहाँ आए, उस दिन यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने सुबातों से मतलब बच्चियों को आशीर्वाद देते हुए उनके जो कापी हैं उनको वितरित की। और हमारे अधीक्षक महोदय श्री ताराचंद शर्मा मौके पर मौजूद थे, उन्होंने भी बच्चियों को आशीर्वाद दिया और हमारा जो कैंप था बहुत सफल रहा जी। तो ये थे हमारे साथ मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर सुरेश कुमार राठौर जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जो जानकारी दी है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद।